हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आए हो, बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ सीमा और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल धाकड़ जाटनी व्लॉग्स में। और आज हम, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम बनाने वाले हैं सूजी का हलवा। सूजी का हलवा वैसे नॉर्मल खाने के लिए भी बनाया जाता है और भोग के लिए भी बनाया जाता है। और स्पेशली सत्यनारायण भगवान की जब कथा होती है तो हम दूध वाला जो हलवा बनाते हैं, तो आज हम वही हलवा बनाने वाले हैं। ये ऐसे खाने में भी टेस्टी लगता है और प्रसाद का जो होता है वो तो ऑटोमेटिकली टेस्टी हो ही जाता है। तो चलिए आज हम बनाते हैं दूध वाला सूजी का हलवा। और तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिएंगे। और तो चलिए बनाते हैं टेस्टी सा हलवा। इसके लिए हमें चाहिएगा चीनी, सूजी। जितनी हमें सूजी चाहिए है उतनी ही चीनी भी यूज़ करनी होगी, और मलाई, और ये है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट में मैंने सिर्फ बादाम और किशमिश लिया है। आप चाहो तो कुछ और भी ले सकते हैं, इलायची भी ले सकते हैं। और ये छोटी कटोरी मैंने लिया है मलाई। मैं इसमें दूध की जगह मलाई का ही यूज़ करूँगी। और ये एक कटोरी लिया है मैंने घी। घी को मैंने कढ़ाई में डाल लिया है। और 3 गिलास पानी लिया है इस पतीले में, जिसको हमें करना है गरम। ये लीजिए, मैंने गैस चालू कर दिया है और पतीले में 3 गिलास पानी डाल के रख दिया है। और अब ये जो कढ़ाई वाला गैस है ये भी मैं चालू कर दूँगी, ताकि हमारा घी मेल्ट हो जाए और हलवा बनाने का प्रोसेस चालू कर सके। ये देखिए, जब हमारा आधा घी मेल्ट हो जाए तो अब हम इसमें थोड़ी थोड़ी सूजी डालते जाएंगे और साथ के साथ चलाते भी जाएंगे। एक हाथ से आप सूजी डालते जाएं और एक हाथ से आप चलाते जाएं, तो उससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे घी के अकॉर्डिंग हमें कितनी सूजी डालनी है। और इसमें कुछ गांठ वाठ या लम्स, सूजी के हलवे में वैसे भी गांठे और लम्स नहीं पड़ते हैं, फिर भी आप बहुत इजी होता है अगर आप ऐसे साथ के साथ चलाते जाओ और डालते जाओ तो बहुत इजी रहता है। अब हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। घी को और सूजी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हमारा मिक्स हो जाता है अब हम इसमें डाल देंगे मलाई। हमें सूजी को नहीं पकाना है, ये साथ के साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा सूजी को घी में मिला के, और हम साथ में ही इसमें मलाई डाल देंगे। और मलाई को भी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही मलाई सूजी के अंदर मिक्स होगी तो एकदम ये टाइट हो जाएगा, तो घबराना नहीं है, आप इसको चलाते जाएं। जैसे जैसे आप चलाते जाओगे और घी का जो, सॉरी, मलाई है, जैसे जैसे वो मेल्ट होती जाएगी, उसका अच्छा टेस्ट आता जाएगा, वैसे वैसे हमारा जो टेक्सचर है वो भी सॉफ्ट होता जाएगा और घी छोड़ने लगेगा। ये देखिए, अब जो हमारी सूजी है वो एकदम टाइट थी, और ये देखिए धीरे 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 करके ढीली होने लगी है और घी भी शो होने लगा है। देखिए, इस प्रोसेस में आपको मैक्सिमम 5-6 मिनट लगेंगे। तो आप इसको बराबर चलाते जाएं, ये छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इसको चलाते जाना है। ये देखिए, अब एकदम हमारी मलाई एकदम अच्छे से मेल्ट हो गई है और पूरा ये घी छोड़ दिया है, यानी कि मलाई का मावा जो है वो निकल चुका है। क्योंकि अगर हम इसमें दूध डालते हैं तो दूध का मावा बनने में बहुत टाइम लगता है और मलाई का जल्दी से बन जाता है। तो ये देखिए, मलाई का एकदम अच्छे से जो टेस्ट है वो टेस्ट भी अच्छा आता है और काम भी फटाफट हो जाता है, टाइम भी कम लगता है और गैस की भी बचत होती है, सारे ही काम अच्छे हो जाते हैं। और ये अब हम डाल देंगे इसमें पानी। पानी भी जैसे हमने सूजी डाली थी वैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी करते डालते जाए और साथ के साथ चलाते जाए, क्योंकि पानी का जो आइडिया ही होता है इसमें, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई इतनी सूजी ली है तो इतना ही पानी डलेगा। मैंने इसमें 3 गिलास पानी डाला था, मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे एकदम इसका जो टेक्सचर है वो एकदम ऐसा चाहिए, हलवे का जो टेक्सचर होता है वैसा ही चाहिए है।
तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डालती जाऊंगी और चलाती जाऊंगी और देखती जाऊंगी कि कहीं ये बहुत पतला तो नहीं हो जाए, कहीं लापसी तो ना बन जाए इसकी। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पानी करते डालते जाए और इसको चलाते जाए तो हमें पता चलेगा कि इसमें कितने पानी की और ज़रूरत है। ये देखिए मैंने इसमें से आधा गिलास पानी बचा लिया था और ये जो बाकी आधा गिलास था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो टोटल इसमें जो सूजी 250 ग्राम के करीब थी तो उसमें 3 गिलास पानी लगा है, पर आप अपने आइडिया से ही डालें। ये देखिए जैसे जैसे हम इसको हिलाते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा सा टाइट होगा पहले तो, और फिर जैसे जैसे पानी इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी और चीनी को भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स। हलवे को तो बर प्रॉपर चलाते ही जाना चाहिए, चलाते ही जाना चाहिए। और ये हो गई हमारी चीनी मिक्स। और चीनी मिक्स होने के बाद कम से कम 5 से 7 मिनट आपको और चलाना पड़ेगा। जैसे ही चीनी मिक्स होगी और एक बार ढीला हो जाएगा हलवा, उसके बाद फिर जब तक हलवा घी नहीं छोड़ता है तब तक हमें प्रॉपर इसको चलाते ही जाना है। यानी कि जब तक हमारा जो हलवा है कढ़ाई छोड़ दे या घी छोड़ दे तब तक हमें इसको प्रॉपर ऐसे ही चलाते ही जाना है, मिक्स करते ही जाना है। 5 से 7 मिनट के बाद आप जैसे देख रहे हैं तो हमारा ये कुछ ऐसा हो जाएगा और घी छोड़ने लगेगा। ये देखिए चारों तरफ घी दिखने लगा है और इसका मतलब है हमारा हलवा, जो भी चीज़ें हमने इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं वो एकदम परफेक्ट डले हैं और हमारा हलवा एकदम परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। जैसे जैसे हम इसको और पकाते जाएंगे ये और घी छोड़ता चला जाएगा। अब हमें बस ऐसे ही थोड़ी देर और चलाते जाना है, यानी कि घी ही घी दिखने लगे ना कढ़ाई में तब तक हमें इसको पकाना है। बस ये देखिए घी ही घी दिखाई देने लगा है। अब अभी इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आपकी जो इच्छा है वो डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हो, इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो। और इसको कर देंगे हम अब अच्छे से मिक्स। ये देखिए घी ही घी नज़र आ रहा है तो इसका मतलब हमारा हलवा हो गया है एकदम रेडी। और एकदम चिपचिपानी है, एकदम खिला खिला हलवा हमारा रेडी हुआ है। और गैस बंद करने के बाद हम इसको 2 मिनट और ऐसे ही हिलाते जाएंगे। ये देखिए हमारा हलवा कहीं से भी कढ़ाई से नहीं चिपका है ना कहीं लगा है, क्योंकि ये हलवा अगर हम बराबर चलाते जाएंगे तो हमारी कढ़ाई जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी। अब हम निकाल लेते हैं इसको एक बाउल में सर्व करने के लिए। ये देखिए हलवे का कलर कितना दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है। ये हो गया हमारा हलवा रेडी। आप इसको गर्मा गर्म खाइए, ठंडा करके खाइए, जैसी भी आपकी इच्छा है। भगवान को भोग के लिए चढ़ाइए, सत्यनारायण भगवान की कथा के भोग के लिए बनाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए जिस बाउल में हमने निकाला है उस बाउल में भी पूरे घी ही घी हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए और भोग में चढ़ाइए। थैंक यू।